वहीं लावरिया में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी छतर सिंह दरबार के लिए शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया और सभा में उपस्थित जन समुदाय अभिनंदन किया। वहीं सभा के दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल बाबा 10 दिन में कर्जा माफ करने का बोलते रहते हैं। वहीं उन्होंने कई और नेताओं पर भी निशाना साधा। बोलता है, मैं कहता हूँ कर्जा माफ नहीं किया, वो कहते कर्जा माफ कर दिया। जनता से पूछता हूँ तो एक स्वर से जनता कहती है नहीं किया। और कर्जा कहाँ से माफ होगा, सब किसानों का कहा था। अब फसली ऋण पे आ गए और वो भी 48,000 करोड़ का है, केवल 1,300 करोड़ बैंक को दिए। और इसलिए ऊँट के मुंह में जीरा भी तुमने नहीं दिया, और इसलिए झूठ कमलनाथ बोल रहे हैं। देखो, मुझे झूठा कहने से क्या मिलेगा, मुझसे सर्टिफिकेट मत लो, किसानों से तो लेना पड़ेगा। और